अगर आप भी विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 99% हार चुका था भारत, फिर कोहली ने चमत्कारी पारी से दिलाई भारत को ऐतिहासिक जीत। जी हाँ दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे वर्ल्ड कप का रोमांचक मैच आज चेन्नई के मैदान पर खेला गया। इस मैच में भारत लगभग मैच में जीत से दूर हो गया, लेकिन इसी बीच 99% मैच हाथ से निकल जाने के बाद विराट कोहली ने अपने चमत्कार से भारत को ऐसी जीत दिलाई जिसकी उम्मीद कर पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। तो आखिर कैसे विराट कोहली के प्रदर्शन के चलते भारतीय टीम को नामुमकिन सी लग रही जीत मिली, ये तो हम आपको बताएंगे ही, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में कौन बेहतरीन खिलाड़ी है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, वर्ल्ड कप का पांचवा और सबसे रोमांचक मैच आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चेन्नई के चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम का ये फैसला काफी अलग अलग साबित हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम मात्र 199 रनों पर 49.3 ओवर के अंदर ऑल आउट हो गई थी, और इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से स्टीव स्मिथ ने सर्वाधिक 46 रनों की पारी खेली, तो वहीं डेविड वार्नर ने 41 रनों का योगदान दिया। हालांकि भारतीय टीम की तरफ से सभी गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम मुकाबले में पीछे हो गई। लेकिन इस बीच ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शानदार वापसी की और मैच को काफी ज्यादा रोमांचक बना दिया, जहां पर गेंदबाजी के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम जब मैदान पर आई तो भारत को 2 रनों के स्कोर पर 3 बड़े झटके दे दिए, जिसके चलते भारत इस मैच में काफी ज्यादा पीछे हो चुका था और मैच अब धीरे धीरे रोमांचक हो गया। आपको बता दें, गेंदबाजी के लिए पहले ओवर में मिचेल स्टार्क आए थे, जहां पर बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन गोल्डन डक के रूप में पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली आए। हालांकि पहले ओवर में 2 रनों के स्कोर पर भारत को पहला झटका लगा, लेकिन इसी बीच दूसरी तरफ से गेंदबाजी के लिए जैसे ही जोश हेजलवुड ने मोर्चा संभाला तो उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 1 ओवर के अंदर 2 बड़े झटके देते हुए भारत को मैच में पीछे छोड़ दिया, जहां पर उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज और कप्तान रोहित शर्मा को LBW आउट 6 गेंदों पर बिना खाता खोले कर दिया था। हालांकि रोहित शर्मा ने रिव्यू लेकर फैसले को बदलवाने का प्रयास किया, लेकिन फैसले को वो बदलवाने में असमर्थ रहे और रोहित शर्मा पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर आते हैं, जिन्होंने सभी को निराश किया। हालांकि श्रेयस अय्यर भी बिना खाता खोले 3 गेंदों पर इसी ओवर में डेविड वार्नर के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके चलते श्रेयस अय्यर भी पवेलियन लौटे और ऐसे में 2 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम के 3 विकेट गिर चुके थे। जिसके बाद अब बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली, KL राहुल मैदान पर आए, जिन्होंने साथ मिलकर टीम को संभाला और इस दौरान विराट कोहली ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले के अंदर 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को ले जाने का काम किया। इस दौरान विराट कोहली का 12 रनों के स्कोर पर 8वें ओवर में मिचेल मार्श ने आसान सा कैच गेंदबाज हेजलवुड की गेंद पर छोड़ दिया था। इसके बाद विराट कोहली ने राहुल के साथ मिलकर तूफानी बल्लेबाजी की और टीम को संभालते हुए आगे ले जाने का काम किया। 16 ओवर में भारत ने 50 रनों का आंकड़ा पार किया और इसी तरीके से मैच को विराट कोहली के दम पर जीत लिया गया। तो महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा में सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जहां भारत में एशिया कप का आगाज हो चुका है, वहीं भारत की दूसरी क्रिकेट टीम एशियन गेम्स खेलने चीन गई हुई थी, जहां टीम के यंगस्टरों ने भारत का झंडा लहराया बल्कि अपने देश के लिए गोल्ड मेडल दिलाया। भारतीय टीम ने अपना सभी मुकाबला एशियन गेम्स में जीतकर फाइनल में जगह बनाई थी। इसके बाद टीम इंडिया का मुकाबला फाइनल में अफगानिस्तान के साथ खेला गया। इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और अफगानिस्तान टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अफगानिस्तान की तरफ से पारी की शुरुआत करने जुबैद अकबरी के साथ मोहम्मद शहजाद मैदान पर उतरे, मगर भारत के यंगस्टरों और कातिलाना गेंदबाजी के आगे अफगानिस्तान का कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सका। टीम के लिए शिवम दुबे ने दूसरे ओवर में भारतीय टीम को जुबैदा अकबरी का विकेट उखाड़ पहला विकेट दे दिया। वहीं तीसरे ओवर में ही और अर्शदीप सिंह ने भी अपनी कातिलाना गेंदबाजी से भारतीय टीम को दूसरा विकेट दे दिया और अफगानिस्तान टीम का केवल 9 रनों के पर 2 विकेट गिर गए और भारतीय गेंदबाजों के आगे अफगान का कोई भी बल्लेबाज रन नहीं बना पा रहा था। अर्शदीप और शिवम के बाद रवि बिश्नोई और शादाब अहमद ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से अफगानिस्तान टीम को 18.2 ओवर में 112 रनों के स्कोर पर 5 विकेट गिरा दिए। भारतीय टीम की इस मैच में जीत बिल्कुल तय नजर आ रही थी, लेकिन तभी बारिश ने आकर पूरा मैच का लुफ्त खराब कर दिया और मैच को बारिश के कारण बीच में ही रोकना पड़ गया। लेकिन यह बारिश घनघोर होने लगी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कई घंटे के इंतजार के बाद भी बारिश रुकने का नाम नहीं ली और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी, जिसके बाद दोनों एम्पायरों ने डिसीजन लिया कि भारतीय टीम इस मैच को DLS मेथड से जीत लिया है और यानी कि भारतीय टीम ने फाइनल में अफगानिस्तान टीम को हराकर अपने देश के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया, बल्कि अपने देश का झंडा
चीन में जाकर ले रहा है। जीत के बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने बयान देते हुए महेंद्र सिंह धोनी को लेकर क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, गायकवाड़ ने बयान देते हुए कहा है कि आज हमारी टीम ने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया, मैं उससे बेहद खुश हूं। ये सब कुछ मैंने माही भाई से ही सीखा है। मैं उनके साथ चेन्नई सुपर किंग में खेलता हूं। इसका फायदा मुझे बहुत मिला। मैं उन्हीं के लक्ष्य कदमों पर चल रहा था, तभी हम लोगों ने चीन में आकर गोल्ड मेडल हासिल किया। वैसे भी माही भाई हमारे रोल मॉडल है। मैं उन्हें हमेशा बड़े भाई के रूप में देखता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। उन्होंने मुझे हर चीज सिखाई है, बैटिंग फील्डिंग और कैप्टनसी से लेकर हर कुछ उन्हीं की वजह से मैंने सीखा है। इसलिए ये जीत मैं उन्हीं को समर्पित करता हूँ। तो दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर गोल्ड मेडल जीतने के बाद बयान देते हुए हर किसी को भावुक कर दिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन है? दोस्तों, विश्व कप के अपने ओपनिंग मुकाबले में मचाया है टीम इंडिया ने कोहराम चेन्नई के मैदान पर सिर चढ़कर बोला जड्डू कुलदीप का जादू। अपनी करिश्माई गेंदों से नचाया ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को नागिन डांस। तो आखिर कैसे अपनी खौफनाक बल्लेबाजी के लिए फेमस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को भारतीय गेंदबाजों ने दिखाई दिन में तारे अपनी घातक गेंदबाजी से? कैसे उन्होंने मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की हालत पतली कर दी? उनकी घातक गेंदबाजी से लेकर ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक वापसी लॉन्चर खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, कोहली और स्मिथ में कौन सबसे महान बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज हुई है विश्व कप की असली शुरुआत। मेजबान हिंदुस्तान के सामने खड़ी थी पांच बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम। खचाखच भरा हुआ था भारतीय मैदान। दोस्तों, खचाखच रोमांचक सातवें आसमान पर था। खिलाड़ियों का जज्बा देखते ही देखते बनता था। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछाला तो दोस्तों टॉस के बॉस बने कप्तान पैट कमिंस और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया ने इस मैच में अपने धाकड़ ओपनर शुभमन गिल की जगह ईशान किशन को लेकर मैदान में धावा बोलने के लिए कदम रखा। कंगारू के लिए मिचेल मार्श के साथ डेविड वार्नर की जोड़ी तूफानी शुरुआत करने के इरादे से उतरी थी। वो चेन्नई की परिस्थितियों का फायदा उठाने की सोच रहे थे। मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर डेविड वार्नर ने मौके से अपना खाता खोलकर बता दिया कि वो आसानी से हार मानने के इरादे से नहीं आए हैं। लेकिन दूसरे छोर से जसप्रीत बुमराह का जादू चला तीसरा ओवर लेकर आए बुमराह ने अपनी दूसरी ही गेंद पर मिचेल मार्श को अपने जाल में फंसाया और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा स्लिप में खड़े कोहली की तरफ चली गई, जैसे विराट ने अपने बाएं तरफ के चीते की तरह हवा में डाइव लगाते हुए लपका और इस बल्लेबाज को पवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद तो पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। महज 6 गेंद खेलकर बिना खाता खोले पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। अभी से ऑस्ट्रेलिया के पसीने छूटने लगे थे। हालांकि मैदान में गर्मी भी बहुत थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी ने उन्हें हक्का बक्का कर दिया था। ऐसे में अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए उनके सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी स्टीव स्मिथ आ जाते हैं। पूरी दुनिया से फिलहाल तो भारतीय गेंदबाजों का दबदबा देखा जा सकता था, लेकिन स्मिथ कुछ और ही सोचकर उतरे थे। आते ही उन्होंने एक के बाद एक चौके की बारिश करते हुए अपनी टीम को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू किया। हालांकि दूसरे छोर से भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से हावी थे। 6 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया बड़ी मुश्किल से 16 रन बना पाई थी। उन्हें एक एक करके तरसाना पड़ रहा था, लेकिन इन दोनों घातक बल्लेबाजों को ज्यादा देर तक दबाव में नहीं रखा जा सकता। 7वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या, पर अब ये दोनों खिलाड़ी तो टूट कर पड़े। वार्नर ने जहां तक के बाद एक के बाद एक दो चौके लगाकर अपने तेवर दिखाने शुरू किए, तो वहीं स्टीव स्मिथ ने और भी ओवर की आखिरी गेंद पर चौका बटोरकर इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। ऐसे में कप्तान रोहित ने भी अपना कंप्यूटर से तेज दिमाग चलाया और उन्होंने सीधे रविचंद्रन अश्विन का रुख किया, जिन्होंने आते ही अपनी घातक फिरकी से दोनों बल्लेबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। 10 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने 43 रन बनाए थे। फिलहाल तो टीम इंडिया का पलड़ा पूरी तरीके से भारी था। डेविड वार्नर और इसके स्मिथ के बीच अच्छी पार्टनरशिप आने लगी थी। वार्नर अपनी बहुत तेजी से अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे थे। ऐसा लगा था कि ऑस्ट्रेलिया वापस चली जाएगी, लेकिन चेन्नई की पिच पर वो इतना आसान थोड़ी है। तभी रोहित शर्मा के ट्रंप कार्ड कुलदीप यादव आते हैं। 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने डेविड वार्नर को अपने जाल में फंसाया और उन्हें कॉटन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया को 440 वोल्ट का झटका दिया, जहां सेट बल्लेबाजी डेविड वार्नर 52 गेंद पर 6 चौके की बदौलत 41 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। इसके बाद तो ऑस्ट्रेलियाई फैंस और उनके खेमे में मातम का माहौल था। कोई अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था। अब उनके आउट होने के बाद स्टीव स्मिथ का साथ निभाने के लिए मार्नस लबुशेन मैदान में उतर चुके थे। भारतीय गेंदबाजों को जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। दोनों बल्लेबाज एक एक रन बनाने के लिए जूझते नजर आ रहे थे। भारतीय गेंदबाजों ने तो इस मुकाबले में पूरी तरीके से शिकंजा ही कसा हुआ था। अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए पहचानी जाने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवरों में बड़ी मुश्किल से 85 रन बना पाई थी, जहां ये दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों से डटकर मुकाबले
मुकाबला कर रहे थे। 24 अक्टूबर में इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अद्भुत बल्लेबाजी से अपनी टीम को 100 रनों तक पहुंचा दिया था। पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलियाई दबाव में नजर आ रही थी, वहीं वापसी की राह तलाश रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें अब तक इसका बिल्कुल भी मौका नहीं दिया था। सिराज बुमराह से लेकर अश्विन कुलदीप जडेजा हर गेंदबाज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर यमराज बनकर टूट पड़ा था। भारतीय फैंस तो खुशी से झूम रहे थे, हालांकि स्टीव स्मिथ मैदान में चट्टान की तरह जाते हुए नजर आ रहे थे। वो टच से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। कछुए की रफ्तार से वो अपनी टीम को पटरी पर वापस लाने की कोशिश में जुटे हुए थे। उन्हें लग रहा था वो ऑस्ट्रेलिया को संभाल लेंगे। उस वक्त रोहित रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी में बुलाते हैं और इस खिलाड़ी ने आते ही 28वें ओवर की पहली गेंद पर ऐसा जादू चलाया कि स्टीव स्मिथ उस गेंद को पढ़ पाने में पूरी तरीके से नाकामयाब हुए और क्लीन बोल्ड हो गए। जी हाँ, जडेजा ने उनके तीनों विकेट उखाड़कर सबसे बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया, जहां ये खिलाड़ी भी 71 गेंद पर 5 चौके की बदौलत 46 रन बनाकर वापस लौट गया और ऑस्ट्रेलिया की पारी पूरी तरीके से दलदल में फंस गई। अब ग्लेन मैक्सवेल अपनी टीम को इस मुसीबत से बचाने के लिए मोर्चा संभालते मैदान में कदम रख चुके थे, लेकिन रविंद्र जडेजा के सिर पर तो खून सवार था, भूखे शेर के मुंह में खून लग चुका था और उन्होंने अगले ओवर में एक बार फिर से लबुशेन को अपने जाल में फंसाकर ऑस्ट्रेलिया की कमर ही तोड़ दी, जिनका आसान सा कैच राहुल ने लपका और टीम इंडिया ने इस मुकाबले में कब्जा जमाने का ऐलान कर दिया, जहां लबुशेन भी 41 गेंद पर 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद के रूप में कैरी के साथ मैक्सवेल मैदान पर मौजूद थे, लेकिन जडेजा ने तो कैरी को खाता भी खोलने नहीं दिया और महज दूसरी गेंद पर एलेक्स कैरी को LBW कर उन्होंने आधी ऑस्ट्रेलिया को केवल 119 रनों पर ही समेट दिया था। उनकी खौफनाक गेंदबाजी का नतीजा हुआ कि अब मैक्सवेल के साथ कैमरन ग्रीन को 30वें ओवर में ही मैदान पर आना पड़ा। 30 ओवर में ऑस्ट्रेलिया टीम बड़ी मुश्किल से 119 रनों तक पहुंच पाई थी, जहां से भारतीय गेंदबाजों की खौफनाक बॉलिंग देखकर तो ये नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया 200 रनों का भी आंकड़ा छू पाएगी और टीम इंडिया आसानी से ये मुकाबला अपने नाम कर लेगी। ये तो कोई भी कह सकता है, लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में से कौन सी टीम होगी वो जो सबसे पहले फाइनल में जाएगी?